Hi guys, hope so you are doing great. This is English Satnam Singh, this is English trainer. So just today we have to learn about a topic, and that is difference between may and can. It means I have to tell you about some explanation of may and some explanation of can. आज जो हमारा टॉपिक है वो है मे और कैन का यूज. मे का यूज कहाँ पर होता है और कैन का यूज कहाँ पर होता है. मान लीजिए आपके पास मे है तो आप उसका यूज कहाँ करोगे, या फिर आपको मे के सेंटेंसेज कैसे बोलने हैं, या कैन के सेंटेंसेज कैसे बोलने हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मेरी वीडियो में शर्त होती है वो ये होती है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तभी इस वीडियो को देखें, वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप दूसरा काम कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बड़ा ही इजी होने वाला है. तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मे की. तो मे या कैन, मे का मतलब भी सकना होता है और कैन का मतलब भी सकना है या सकता है, ऐसा होता है. जब हम बात करें मे की तो मे का यूज कहाँ कहाँ पर होता है. जो दो मेन जगह है वो है परमिशन और है पॉसिबिलिटी. इन दो जगहों पर मे का यूज होता है. अगर हम बात करें कैन की तो कैन का यूज कहाँ पर होता है, पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी, इसका यूज होता है यहाँ पर. हमने बचपन में एक सेंटेंस सीखा था, वो तो सभी को आता है कि मे आई कम इन सर. इसका मतलब है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. उसमें हमने परमिशन ली थी और हम परमिशन लेके ऐसे ही बोलते हैं. लेकिन हम बात करें कैन की तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्योंकि ये परमिशन नहीं दर्शाता. सेंटेंस ये भी सही है, आप फ्रैंक तरीके में इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ स्पीकिंग में ऐसा होता है, ना कि राइटिंग में ऐसा होता है. तो आपको जब भी मे और कैन का यूज करना है तो आपको क्या यूज करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. वह पत्थर लिख सकती है, तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, शी कैन राइट अ लेटर. उसकी एबिलिटी दर्शाई गई है कि वह पत्थर लिख सकती है. ही कैन कम एनी टाइम, वह किसी भी समय आ सकता है. इस प्रकार से इसमें क्या दर्शाया गया, इसमें हमारी पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है, संभावना. ऐसे ही मे का उपयोग हम करते हैं परमिशन के लिए. अगर हमें स्टार्टिंग में यानी कि किसी से कहना हो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मे को हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, मे आई डू दिस. मे का यूज यहाँ पर होता है, मान लीजिए हम मौसम के बारे में बात करें तो मे का यूज वहाँ पर भी होता है. जैसे कि इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है. आज सूरज वाला दिन हो सकता है, इट मे बी अ सनी डे. इट मे बी सनी डे टूडे. इट मे बी हॉट टूडे. इट मे बी हॉट टूडे, आज गर्मी हो सकती है. इस प्रकार से अब आपको नेगेटिव के अगर सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इनके तुरंत बाद नोट लगा देना है. कैसे, जैसे कि वह लिख नहीं सकती है, सो शी कैन नॉट राइट. वह घर पर नहीं पढ़ सकती, शी कैन नॉट रीड एट होम. वे घर नहीं जा सकते, दे कांट गो टू होम. क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मे आई एकम्पनी यू, या मे आई कम विद यू. इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप मे के भी ऐसे ही बना सकते हैं नोट के साथ, मे आई नोट गो, या आई मे नोट गो, इस प्रकार से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल और कीप स्पीकिंग.